जय सिया राम। आप सभी लोगों को जो आज यहाँ अभी जुड़े हुए हैं और जो इसे बाद में देखते रहेंगे, उन सभी के लिए दीपोत्सव की, दीपावली की कोटिशः शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आप सभी से अयोध्यानाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना कि आपका दिन नित्य मंगलमय हो, आपके सभी दिन प्रकाशमय हों, आपका संपूर्ण जीवन कल्याण की ओर जाने वाला हो, आनंद से, उल्लास से, सौमनस्य से, समृद्धि से भरा हुआ हो। आप सबके लिए बारंबार बधाइयों के साथ दीपावली के इस अवसर पर कुछ बातें आपसे करने की इच्छा हुई। इधर बीते कुछ वर्षों में विशेष रूप से और ऐसे निरंतर ही जब उत्सव आते हैं, जब कोई बड़ा पर्व हमारे बीच आता है, तो उसको लेकर के, उसकी वैचारिकी को लेकर के, उसमें निहित संदेशों को लेकर के विचार बढ़ जाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग भाव व्यक्त करते हैं, अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं और पूछते हैं कि इन उत्सवों का, इन पर्वों का निहित तात्पर्य क्या है, इनका प्रारंभ कब से हुआ, इनका स्वरूप क्या है। इस तरह की अनेक बातें सामने आती हैं और हम लोग उन पर चर्चा भी करते हैं। इस दीपावली में अयोध्या से, अयोध्या की दीपावली के तौर पर कुछ आपसे थोड़ी बातें करते हुए सभी के लिए शुभकामनाओं के लिए वीडियो है, आप सभी का स्वागत है। हम लोग जानते हैं और ये बात परंपरा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा लगभग हम सबको पता है कि भगवान श्री राम के अपनी वनवास यात्रा पूरी करके लौटने पर अयोध्यावासियों के द्वारा, अयोध्या के द्वारा दीप मालिकाओं का श्रृंगार करके सारी अयोध्या में प्रकाश पर्व मना करके प्रभु का स्वागत किया गया और वो परंपरा हम लोगों के साथ आज तक चली आ रही है। यद्यपि पुराणों में, शास्त्रों में, धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाओं में दीपावली मनाने के अनेक संदर्भ विद्यमान हैं और शास्त्रों में जो यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, इस तिथि पर प्रकाश करने का जो अर्थ है वो बहुत प्रतीकात्मक है। यद्यपि वो इतिहास का और श्री रामचरित का एक अवसर है और उसके साथ साथ वो एक गहरी प्रतीकात्मकता लिए हुए है कि जब हमारे जीवन में अंधकार अपने चरम पर हो, जब हमारे जीवन में अंधकार सर्वाधिक प्रभावशाली हो, तो वही सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है जब हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा इकट्ठा करके दीपक जलाने के बारे में सोचें। हम सूर्य के आने पर प्रकाश होने तक हाथ पर हाथ धरे बैठे न रहें, प्रतीक्षा न करें, बल्कि इस बात के लिए प्रस्तुत हों कि जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक भी हम प्रकाश के प्रति अपनी निष्ठा दोहराएं और हम दीपक प्रज्वलित करके अपने जीवन को, अपने आसपास के लोगों के जीवन को, समाज और परिवार के जीवन को प्रकाशमय बनाएं। इधर ये बात देखी गई है कि धीरे धीरे जो हमारे सांस्कृतिक उत्सव हैं, जो पर्व हैं, जो महत्वपूर्ण आयोजन हैं, वे हमारी संस्कृति से, हमारी मिट्टी से, हमारी आत्मीयता की ऊष्मा से थोड़े थोड़े खिसके हैं। वे बाजार की ओर गए हैं, वे आधुनिक विचारों की ओर गए हैं और उनमें जो स्थानिकता का, जो देश काल का अपना प्रभाव था, वो कुछ शिथिल हुआ है। और हम उन पर्वों को उनकी पारंपरिकता के बजाय उनकी आधुनिकता में अधिक पहचानने लगे हैं। यद्यपि वे मूल्य जिनसे ये पर्व निर्मित हुए हैं, जहाँ से ये परंपराएं चली हैं, वे हमारे जीवन में, वे हमारे अपने जीवन में विद्यमान तत्व हैं। अयोध्या की दिवाली से आप सुपरिचित हैं। जब बार बार ये प्रश्न आता है, जब ये चर्चा होती है और हम लोग बड़े उल्लास के साथ दीपोत्सव देखते हैं और यहाँ के उत्सव देखते हैं, आयोजन देखते हैं और विश्व भर में अयोध्या की दीपावली के बारे में बातें करते हैं, तो एक दृष्टि हमारी जाती है उस अयोध्या की ओर, जो श्री राम की अयोध्या है, जो प्रकाश से भरी हुई अयोध्या है, जिसमें अयोध्यावासियों ने दीपक जला करके इस अयोध्या को सारी दुनिया के लिए दिव्य और चमकदार बना दिया है। मैं सोचने लगता हूँ कि क्या वो केवल दीपकों और बत्तियों की बात है? जिस अयोध्या को देवताओं की अयोध्या कहा जाता है, क्या वो दीपकों से प्रकाशित होने भर से ही देवताओं की अयोध्या बनी है? जिस अयोध्या को संतों की अयोध्या कहा जाता है, जिस अयोध्या को राम राज्य की राजधानी कहा जाता है, जिस अयोध्या को बैरागियों की सराय कहा जाता है, जिस अयोध्या को सात मोक्षदायिनी पुरियों में एक कहा जाता है,
वो अयोध्या क्या अपना प्रकाश केवल मिट्टी के दीयों से तय करती है? तो बड़े महत्वपूर्ण आयाम और संदर्भ अयोध्या के हमारे सामने आते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अयोध्या का जो प्रकाश है वो वस्तुतः चरित्र का प्रकाश है। अयोध्या का जो प्रकाश है वो वस्तुतः त्याग का, तर्पण का, समर्पण का प्रकाश है। दीपकों का प्रकाश भी है, इसकी अपनी सार्थकता भी है, पर इससे ज़्यादा बढ़कर महत्वपूर्ण है अयोध्या का चरित्र, अयोध्या का वैशिष्ट्य, जिसके कारण सारी दुनिया अयोध्या की ओर, अयोध्या की दीपावली की ओर देखती है। जब हम श्री राम की अयोध्या का स्मरण करते हैं और भव्य भवनों से, सुविस्तीर्ण सुंदर मार्गों से, जिनमें धूल नहीं है, जिनमें सुंदर सुगंधित जलों का छिड़काव करके जिनकी धूल शांत कर दी गई है, उसमें आमोद प्रमोद से भरे हुए, परस्पर प्रसन्नता से भरे हुए, एक दूसरे की शुभकामना से भरे हुए, दुख और कुंठा से मुक्त नागरिकों का जो सम्मर्द है, जो उनकी भीड़ है, वो दिखाई पड़ती है। गीत वाद्यों से भरी हुई, शुभेच्छुओं से, परस्पर प्रेम रखने वाले नागरिकों से भरी हुई, अपने अपने सत्कर्तव्यों के द्वारा प्राप्त अपनी अपनी समृद्धियों से संतुष्ट लोगों से भरी हुई जो अयोध्या है, ऋषियों से, मुनियों से, योद्धाओं से, अपनी अपनी विद्याओं के जानकार महापुरुषों से भरी हुई जो अयोध्या है, वो हमारे सामने आती है। और जब अयोध्या का वह चारित्रिक वैभव हमें दिखाई पड़ता है, जब अयोध्या का वह नैतिक वैभव हमें दिखाई पड़ता है, जब अयोध्या का वह सांस्कृतिक वैभव हमें दिखाई पड़ता है, तो हमारा विश्वास इस बात पर बढ़ जाता है कि इस दुनिया को दीपावली देने वाली, इस दुनिया को प्रकाश का पर्व देने वाली पूरी अयोध्या ही हो सकती है। इस अयोध्या से आप लोगों को शुभकामना। और एक बात इसके साथ साथ मैं बराबर दोहराता हूँ, और मैं समझता हूँ कि दीपावली पर वो बात विशेष रूप से सोचने और समझने की है, मैंने उसे कहा भी है और लिखा भी है बारंबार, कि प्रकाश केवल बाहर ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में जिस तरह बाहर प्रकाश की हमें अपेक्षा होती है बाहर की ओर चलने के लिए, ऐसे भीतर की ओर चलने के लिए भी भीतर प्रकाश की आवश्यकता होती है। वो प्रकाश जिसका चिंतन मुनियों ने किया है, वो प्रकाश जिसका चिंतन महात्माओं ने किया है, वो प्रकाश जिसका चिंतन हमारे पूर्वजों ने किया है, जिसका चिंतन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है, और अपने अंतःकरण का अंधेरा दूर करने के लिए अपने भीतर ज्ञान दीप और मणिदीप के प्रकाश की चर्चा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में की है। वहाँ गोस्वामी जी एक बार दीपक की स्थापना करते हैं ज्ञान के रूप में, और फिर वो कहते हैं कि ये बड़ा कठिन है, और दीपक जलने पर भी अनेक प्रत्यूहें, हो सकता है दीपक नहीं जलने पाए सुरक्षित, तो हम भक्ति की मणि का प्रकाश कर लें अपने अंतःकरण में। मैं आपका ध्यान केवल इस बात पर ले जाना चाहता हूँ कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे भीतर प्रकाश होना चाहिए। हम वेदों की प्रार्थनाओं में जाएं तो वहाँ शिव संकल्प सूक्त है, जो हमारे मन को शुभ संकल्पों से युक्त होने की बात करता है। हम अगर जीवन के अनुशासनात्मक ग्रंथों की ओर जाएं तो वहाँ पता चलता है कि हमारे मन की ही सारी स्थिति हमारे जीवन के उत्थान पतन में कारण बनती है। तो हमारे मन का जो प्रकाश है, अंतः प्रकाश है, हमारे मन की जो निर्मलता है, उसको भी हम पहचाने, भीतर प्रकाश कैसे होगा, उस अपने अंतःकरण में आत्मज्योति जो प्रकाशित करने की बात है, वो हमारे पास, हमारे जीवन में कैसे बन पाएगी, इस ओर भी दीपावली पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। गली में, घर में, दरवाजे पर, अपने आसपास, अपने बाहर मिट्टी के दीपक, तेल, घी तो हम बाज़ार से ले आ सकते हैं, जला सकते हैं। अभी तो एक और पक्ष आ गया है हमारे सामने जिसमें मिट्टी के दीपक और तेल की भूमिका कम हो गई है। ये भी एक बहुत रोचक और समझने की बात है। हमारे समाज में व्यक्ति जीवन का दूसरे के जीवन के साथ जो संबंध है और जो पारस्परिकता है, वो इन उत्सवों और पर्वों के द्वारा अभिव्यंजित होती है, जो धीरे 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 शिथिल हुई है। और हम, ये आश्चर्य हमारे लिए है, मैं तो ये बात कहता रहता हूँ लोगों को और मैं फिर दोहराता हूँ आप लोगों से, कि दीपक जलते हैं भारत में और उजाला होता है बिजली की लड़ियाँ बनाने वाले दूसरे देश में। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि ये जो दीपक बनकर आता है, ये जो मिट्टी आती है, ये जो बत्ती आती है, ये जो घी आता है, आज हमारे दीपावली में कितना कम उपयोग हो गया है मिट्टी के दीपकों का, कपास की बत्तियों का और गाय के घी का। सब कुछ एक आभास का शिकार हुआ है, उससे बाहर हम कैसे आवेंगे, यह भी एक बात है जिस पर दीपावली में सोचा जाना चाहिए, जिस पर प्रश्न होना चाहिए।
और मैं समझता हूँ दीपावली की प्रासंगिकता को लेकर के, दीपावली का वास्तव की प्रकाश जो हमारे जीवन में आने वाला है वो चरित्र का है, वो हमारी जीवन दृष्टि का है, वो हमारी पारंपरिक आस्थाओं का है, वो हमारी सांस्कृतिक संरचना का है, वो हमारे इतिहास भूगोल में व्याप्त गौरव का है। और जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता है, जब तक हम भारतवंशी और दुनिया भर में भारतवासियों के जो लोग हमारे बसे हुए हैं वे, और यह पूरा विश्व ही जब तक उस ओर नहीं देखता है, तब तक पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने का जो हमारा संकल्प है वो दीपावली से चरितार्थ नहीं होता। तो हमारी दृष्टि दियों की ओर भी जानी चाहिए। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, पर्वों में निहित विचार भले न बदले हों पर उनके मनाने का स्वरूप बदल जाता है, हम लोग भी उसे बदला हुआ देख रहे हैं। उसमें कितना परिवर्तन स्वीकार्य है, कितना परिवर्तन जो है वो हमारे उत्सवों में निहित मूल विचारों के साथ है, उसका स्वागत होना चाहिए, और कितना उसमें से ऐसा है जो बाजार के और व्यवहार के दोष से हमारे जीवन में आ गया है, उसका परिहार करने का विवेक भी हमें होना चाहिए। इस बात की भी शुभकामना आप लोगों को कि दीपावली मनाते हुए अपने बाहर जो उजाला आप बिखेर रहे हैं वो चाहे आधुनिक संसाधनों से हो, चाहे दीपक जलाने की योग्यता से हो, उसके में आप सफल हों, उससे आपका जीवन प्रकाशमय हो, अपने भीतर के अंधेरों तक भी आपकी निगाह जाए, आपकी दृष्टि जाए, और कहीं कोई एक नन्हा दीपक आपके भीतर बोध का, विवेक का, वैराग्य का, सौमनस्य का, सद्भाव का, संतुष्टि का भी जले, और जो आपके भीतर और प्रकाश भर दे, जिससे यह संसार जब अंधेरे में घिर जाए, यह दुनिया जब बाहर के अंधेरों में घिर जाए, तो भी भीतर के प्रकाश से युक्त जो भारतीय दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प करने वाले लोग हैं वे अपने को समुन्नत बनाए रह सकें। अन्यथा इन पर्वों में जो मूल बात है वो छूट जाती है। अभी हमने धनतेरस मनाई, उसकी विशेषता आप देखिए, भगवान धन्वंतरि के द्वारा अमृत घट लेकर प्रकट होने का जो पर्व है, जो तिथि है, उसमें न हम अमृतत्व का चिंतन करते हैं, न परम कल्याण में भगवान विष्णु का चिंतन कर पाते हैं, हम बर्तन खरीदने में व्यस्त होते हैं। जीवन में बड़ी उपलब्धि खाली बर्तन खरीदने में नहीं है, विद्यमान बर्तनों में सुयोग्य वस्तु रखने की क्षमता होने में है। तो हमारे लिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम केवल बर्तन खरीदने से धनतेरस की सार्थकता न पहचाने, बल्कि इस बात से पहचान पाएं कि हमारे जीवन में जो मृत्यु से घिरा हुआ जीवन है, इसमें अमृतत्व कहाँ है। हमारे पूर्वजों ने जिस औदार्य के साथ हमारे जीवन में इस मृत्युलोक में जीते हुए भी हमारी दृष्टि मृत्यु से हटाकर अमृतत्व तक ले जाने की बात की, और जिसके चलते गुरु और भगवान के पाद प्रक्षालन से हमारे जीवन में चरणामृत आया, जिसमें पंचगव्य का उपयोग करके हमारे सामने पंचामृत आया, जिसका ध्यान करते हुए हमारे सामने कथामृत आया, जिस अमृत का अनुसंधान करते हुए हमारे सामने वचनामृत आया, ये सब कुछ तो इसलिए आया कि मृत्युलोक में जीने वाला जो मरणधर्मा मनुष्य है उसकी दृष्टि मृत्यु से हटकर अमृत तक जा सके, अमृतस्य पुत्रा होने की जो बात है वो उसके भीतर पुष्ट हो सके। तो यदि हम इन पर्वों, इन उत्सवों में निहित विचारों तक अपनी दृष्टि नहीं ले जा पाएंगे, और इन उत्सवों को केवल बाजार के संसाधनों के सहारे मनाने में व्यस्त हो जाएंगे, तो शायद हम इन पर्वों में जो मूल बात है, जो इनका संदेश है, उनसे चूक जाएंगे। इसलिए इधर भी हमारी दृष्टि जानी चाहिए। एक बात इसमें और ज़रूर कह देने की है, और उस पर बहुत सारे लोग अपने ढंग से बोल भी रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसे दोहराया जाए। दीपावली पर पटाखे जलाने की परंपरा है। परंपरा कहां से आई है, इसकी सार्थकता क्या है, इसका औचित्य कितना है, ये जरूर एक चर्चा का विषय हो सकता है। पर ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपावली में एक तरह का आंदोलन चल पड़ता है कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा, पटाखे न फोड़ाएं, पटाखे न छुड़ाएं, इनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये बात तो ठीक है। मैं तो हमेशा इस तरह कहता हूँ कि सुख से, हमारी प्रसन्नता से, हमारे जीवन के आमोद प्रमोद से बारूद का क्या संबंध है। बारूद तो हमारे जीवन में दुर्भाग्य की उपज है, इसे आविष्कार नहीं कहा जाना चाहिए, इसे मनुष्यता के उत्थान का संसाधन नहीं कहा जाना चाहिए। कहा जा रहा है, ठीक है, पर दीपावली में पटाखे फोड़ने से अशांति और पर्यावरण का भंग होने के तर्क से जो लोग दीपावली में पटाखे फोड़ने पर आरोप कर रहे हैं, उसे प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं, वो चाहे जो संस्था हो, चाहे जो व्यवस्था हो, चाहे जो संविधान हो, उन्हें पहले इस बात पर सोचना चाहिए कि ये सभ्य बनने का दावा करने वाले जो तथाकथित विकसित देश और विकसित लोग हैं, चाहे वो जिस देश में भी रहते हों, परमाणु संसाधनों से भरा हुआ विश्व, रोज नए प्रक्षेपास्त्रों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक अंधाधुंध रूप से
भौतिक विकास के नाम पर पूरी पृथ्वी को तपा करके आग बना देने की व्यवस्थाएं रचने वाले आविष्कारक केवल दीपावली के पर्व में फूटने वाले पटाखों से ही क्या पर्यावरण को प्रदूषित मानते हैं? क्या दीपावली केवल पटाखों से होती है? दीपावली में होने वाला सौमनस्य, दीपावली में होने वाला दीप प्रज्वलन, दीपावली में जलाया जाने वाला घी का दीपक जो पूरे एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है, दीपावली में होने वाली स्वच्छता और सफाई, मैं समझता हूँ भारतवर्ष में स्वच्छता पर केंद्रित सबसे बड़ा पर्व है दीपावली, जिसमें झोपड़ी से लेकर के महलों तक सफाई रंगाई चीज़ों को व्यवस्थित करने और सहेजने की परंपरा है। क्या ये दीपावली का प्रदेय नहीं है? घर घर में घी के दीपक जला करके कपूर की आरती करके पर्यावरण को शुद्ध करने की परंपरा क्या दीपावली का अवदान नहीं है एनवायरनमेंट के लिए? देवताओं की आराधना, घर घर में मांगलिक आराधन, घर घर में अलक्ष्मी की निवृत्ति और लक्ष्मी की प्रतिष्ठा का बड़ा संदेश क्या दीपावली का प्रदेय नहीं है? सौमनस्य, आमोद प्रमोद, मिठाई और वस्त्रों के द्वारा एक दूसरे के प्रति सद्भाव व्यक्त करने की चेष्टा, घर घर में और घर घर के माध्यम से पूरे समाज में प्रकाश फैलाने की वृत्ति क्या दीपावली का प्रदेय नहीं है? क्या दीपावली की पहचान पटाखों से है? पर बात किस चीज पर हो रही है कि पटाखे नहीं फोड़ने हैं, कि पटाखे फोड़ने से इन्वायरमेंट प्रदूषित होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। पर्यावरण की चिंता के नाम पर दीपावली के पटाखों पर आरोप करने वाले लोगों को ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि जो दुनिया में बड़े बड़े धुरंधर देश रोज एक दूसरे पर टनों टन बारूद का विस्फोट करने को तैयार हैं और कर रहे हैं यत्र तत्र, वे क्या पर्यावरण को शुद्ध बना रहे हैं? क्या वे तुलसी और पीपल उगा रहे हैं? होली आने पर जिन लोगों को पानी का अभाव हो जाता है और रंग खेलने में ही पानी के कम पड़ जाने की चिंता जो लोग व्यक्त करते हैं, और अंधाधुंध जल संसाधनों का दोहन करने वाले और जल को दूषित करने वाले लोग, और लोग क्या देश, अपना कचरा समुद्र में डालने वाले, अपना कचरा अंतरिक्ष में डालने वाले लोग, और आसमान में अंतरिक्ष में अपनी अनुपयोगी हुए प्रक्षेपास्त्रों को और सैटेलाइट्स को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या पर्यावरण को शुद्ध बनाती है? इस तरह सेलेक्टिव होकर विचार लें और भारत की सांस्कृतिक संरचना के बारे में कहीं कुछ भी असूया दोष से ग्रस्त होकर के गुणों में भी दोषों का आविष्कार करने की जो वृत्ति है उससे सबको बाहर निकलना चाहिए। और दुनिया के लोग चाहे न कर पाएं, पर इस भारतवर्ष के जो तथाकथित बौद्धिक हैं वे ज़रूर इस बात को समझें, और उन्हें समझना चाहिए, मैं उनसे इस बात की अपील करता हूँ कि जो भारतीय पर्व हैं और जो उनकी संरचना है वो मूल रूप से संपूर्ण प्राणियों के सारे समाज के लिए मंगलमय है। उसमें केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि मनुष्येतर जो प्राणी हैं उन सब के लिए भी उसमें हितैषिता का विचार निहित है। इसलिए व्यर्थ का प्रवाद फैलाने के बजाय प्रसन्नतापूर्वक उत्सव मनाने में ही विश्वास करना चाहिए। एक बात मैं फिर यहाँ जरूर दोहरा देना चाहता हूँ कि हमारे जो सांस्कृतिक और पारंपरिक पर्व हैं उनके साथ एक आस्था, उनके साथ एक धर्म की बात निहित है, इसलिए इस पर जरूर हमें विचार करना चाहिए। इस तर्क के कारण नहीं कि हमारे पटाखा फोड़ने से नुकसान क्या हो रहा है पर्यावरण का, इसके तो बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। अगर पटाखे फोड़ने से, अगर दीपावली में आतिशबाजी करने से जीव जंतुओं को पीड़ा होती है, तो जो वैश्विक स्तर के पर्व केवल जीव जंतुओं को मारने पर निर्भर करते हैं उनका क्या होगा? ये दुनिया ऐसे भी उत्सव मनाती है जिसमें प्राणियों को मारना ही उत्सव का केंद्र है, उनका प्राणघात करके और उनके मांस से, उन निरीह पशुओं के मांस से अपना उल्लास मनाने की परंपरा भी इसी दुनिया में लोगों के पास है, उनका क्या होगा? तो जो व्यर्थ के आरोप हैं वे हमारे लिए इस योग्य नहीं है कि हम उनको सुने और उन पर गंभीर हों, पर हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि लक्ष्मी का पूजन करने में, नारायण का पूजन करने में, भगवान श्री सीताराम जी का पूजन करने में, अपने इष्ट का आराधन करने में और अपने पर्यावरण की उपासना करने में कार्तिक के इस पवित्र मास में, जो सबसे शुद्ध महीना है और इस पर्यावरण को सबसे अधिक वरदान देने वाली जो वनस्पति, जो वृक्ष है जिसको हम तुलसी के रूप में जानते हैं, और भारतीय संस्कृति में जिसको तुलसी माता के रूप में पूजा जाता है भगवान की प्रिया के रूप में, वो पर्यावरण के कल्याण और पर्यावरण के संरक्षण की और हमारे जीवन में पर्यावरण संतुलन की सबसे बड़ी प्रतिमा बन करके तुलसी हमारे सामने उपस्थित हैं, तो हम तुलसी विवाह भी कार्तिक में मनावें और फिर हम जीव जंतुओं को और संपूर्ण अपने परिवेश को पटाखों से प्रभावित भी करें, प्रदूषित भी करें। हमें स्वयं सोचना चाहिए कि दीपावली में पटाखों की परंपरा कहाँ से आई और इसका क्या उपयोग है? उल्लास व्यक्त करने के लिए हमारे पास और इससे बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं? पर हाँ, इसके साथ ये भी सोचा जाना चाहिए
कि दुनिया के अनेक आयोजनों के नाम पर जो आतिशबाजियों के उपद्रव हैं उन पर रोक कब लगेगी, उन पर ये बात कब कही जाएगी। आतिशबाजी का और प्रसन्नता में बारूद जलाने का जो इतिहास है वो कभी भी प्रशंसनीय नहीं हो सकता है, लेकिन ये केवल भारत की दीपावली के संदर्भ में ठीक नहीं हो सकता, इसे विश्व भर के संदर्भ में पहचाना जाए तो इस बात की भी प्रासंगिकता होगी। एक बार फिर से आप सब लोगों को दीपोत्सव की, दीप पर्व की और भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की इस महामंगलमयी तिथि के उपलक्ष्य में बारंबार बधाइयाँ और इस बात की प्रार्थना कि आपके भीतर जो रामत्व है वह भी यदि देश के, काल के, बाजार के, व्यापार के प्रभाव से कहीं तिरोहित हो रहा है, कहीं खो रहा है, तो अपने भीतर दीपक का प्रकाश करें, अपने भीतर एक दीप जलाएं अपनी चेतना का और अपने श्री राम को पहचानें और उनका अभिषेक करें, ताकि यह दीपावली केवल आपके लिए बाजार का उत्सव न रह जाए, यह आपके संस्कार का उत्सव बन सके, आपको सही मार्ग दिखा सके और ये दीपावली बाहर के दीयों के बिना भी आपको प्रकाशमय बना सके, आपके लिए सत्पथ का, कल्याण का मार्ग दिखा सके। इस भावना के साथ बारंबार आप सबको अयोध्या से, श्री अनादि पंचमुखी महादेव से, अयोध्या की इस दीपावली के अवसर पर नित्य ज्योतिर्मय जीवन की, नित्य आनंदमय जीवन की बारंबार मंगल कामनाएं। जय सियाराम।